तो हेलो गाइज, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हो रेसलिंग वर्स। तो बेसिकली आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी में जो हमें सौरभ गुर्जर यानी कि सांगा दिखाई दिए WWE के, उनके बारे में, उनका रोल कैसा था, सारी चीज़ें मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा। प्लस इस वाली वीडियो में हम पहले बात करेंगे ब्रह्मास्त्र के बारे में कि मूवी कैसी थी। मैं बेसिकली रिव्यू देने वाला हूँ कि मुझे सौरभ गुर्जर का रोल कैसा लगा, एक WWE सुपरस्टार जो कि इंडिया से हैं, उनका एक बॉलीवुड मूवी में डेब्यू हुआ, तो उनके उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले बताऊंगा ब्रह्मास्त्र कैसी थी, फिर मैं आपको बताऊंगा सांगा के बारे में कि भाई सांगा एक्चुअल में है कौन, जो सौरभ गुर्जर है वो कौन है और वो WWE में कैसा परफॉर्म करता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर तीसरी चीज के ऊपर हम बात करेंगे जो सांगा का ब्रह्मास्त्र में रोल था वो कैसा था, उनका स्क्रीन टाइम कितना था, कैसा उन्होंने रोल निभाया, उनकी फाइट्स वगैरह कैसी थी, उस बारे में बात करेंगे। और एंड में जाके हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो हमें मूवी दिखाई दी है, जो हमें सांगा दिखाई दी है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और WWE सुपरस्टार्स के बारे में या फिर और लोगों के बारे में जो WWE में जा सकते हैं, प्रो रेसलिंग में जाना चाहते हैं या फिर बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, सारी चीजों के ऊपर बातें होंगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे चलते हैं। पहले बात करते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र बेसिकली एक नई मूवी है जो कि है बेसिकली एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी, जहां पे हमें कुछ अस्त्र के बारे में बताया गया, कुछ बहुत ही ज्यादा सुपरनेचुरल फोर्सेस के बारे में बताया गया। मैं आपको बता दूं मूवी बहुत ज्यादा फाड़ थी भाई। रणबीर कपूर का रोल बहुत बढ़िया था, हमारे इंडियन रेसलर का रोल बहुत ज्यादा बढ़िया था। और हाँ, अगर आपको एक सुपर हीरो जॉनरा में कुछ ऐसी मूवी देखना पसंद है, कुछ एडवेंचर मूवी देखना पसंद है, तो ये वाली मूवी आपके लिए होने वाली है भाई। बहुत तगड़े VFX और बहुत तगड़ा एक्शन था इस वाली मूवी का, तो मुझे पसंद आई। अगली बात करते हैं हम सांगा के बारे में यानी कि सौरभ गुर्जर के बारे में। देखो, जो भी बंदा नहीं जानता इनको, मैं आपको बता दूं ये बेसिकली है कौन। इनका बेसिकली डेब्यू हुआ था NXT ब्रांड पे WWE के, जहां पे ये आते थे इंदस शेर यानी कि इनकी एक टैग टीम थी, और इनके साथ है रिंकू राजपूत यानी कि वीर, तो वीर महान के साथ वो आते थे और इनकी टैग टीम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देती थी। ये ज्यादातर अपने मैचेस में हिंदी में भी बात करते हुए दिखाई देते थे, अपने प्रोमोज में हिंदी में वो बात करते थे और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देते थे। बीच में कुछ टाइम के लिए ऑफ चले गए थे जब ये पहले बेसिकली सौरभ गुर्जर हुआ करते थे, फिर इनका रीडेब्यू हुआ जहां पर इनका नाम आ गया सांगा, और सांगा लिटरली अभी डोमिनेट कर रहे हैं भाई NXT 2.0 पे, बहुत तगड़ा फोड़ रहे हैं हर बंदे को। तो सांगा एक बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिश इंडियन सुपरस्टार है NXT ब्रांड पे, और हो सकता है उनका मेन रोस्टर में भी डेब्यू हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं सांगा का ब्रह्मास्त्र में रोल कैसा था। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं इस मूवी में 3 विलन होने वाला है जिनमें से एक विलन ये है, और अच्छा खासा स्क्रीन टाइम इन्हें दिया गया। ऐसा नहीं कि भाई इन्हें बस ऐसे एक सीन के लिए लाए और चले गए, ऐसा नहीं है भाई। इनकी प्रॉपर फाइट्स हैं, इनकी प्रॉपर स्टोरी लाइंस है, और मैं आपको ये भी बता दूं इतनी इंपैक्टफुल मतलब इनकी फाइट्स दिख रही थी। अब देखो, यही होता अगर आप एक प्रो रेसलर को किसी मूवी में फाइट करते हुए दिखाओगे तो आपको ये चीज़ फील होगी, यार ये बंदा कितने तगड़े तरीके से कितना रियल दिखा पा रहा है, क्योंकि WWE में वो वही करते हैं, एक नॉर्मल फाइट को जो कि वो बना रहे होते हैं उसको रियल दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली मूवी में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है और बहुत इंपैक्टफुल फाइट थी। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, एक जगह पे रणबीर कपूर से इनकी फाइट होती है, इतनी ज़बरदस्त फाइट थी भाई, इनकी अमिताभ बच्चन से भी फाइट होती है, मतलब दोनों फाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और हाँ, उन्होंने बिना हर्ट करे इतनी ज़्यादा इंपैक्टफुल और रियल फाइट दिखाई है ना कि भाई आपको क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया फाइट्स देख के। अगली बात करते हैं कि जिस तरीके से हमें सांगा ब्रह्मास्त्र में दिखाई दी हैं, जिस तरीके से उन्होंने फाइट्स लड़ी हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरा अपना रोल निभाया और एक्टिंग करी है, उसे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उन लोगों के ऊपर जो प्रो रेसलिंग में जाना चाहते हैं या फिर जो एज अ फाइट यानी फाइट सीक्वेंस में जाना चाहते हैं बॉलीवुड में। तो मैं आपको बता दूं, प्रो रेसलिंग और थिएटर या फिर मूवी या फिर सिनेमा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि आपको एक चीज़ को रियल दिखाना होता है। जो भी आप फाइट लड़ रहे हो, जो भी आप एक्शन सीन दे रहे हो, उसमें आपको सब कुछ रियल दिखाना होता है, और वही चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को हर्ट भी ना करो, प्लस जो आप मतलब कर रहे हो, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पे फाइट कर रहे हो, उसको आप रियल दिखा सको। और वो सांगा ने बहुत बढ़िया तरीके से करी है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया। तो जी हाँ, कोई भी अगर ऐसा बंदा जो प्रो रेसलिंग में जाना चाहता है, जो बॉलीवुड में जाना चाहता है, उसको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा काम करना होता है, और ये मेरे ख्याल से और भी मतलब बहुत सारे रास्ते खोलेगा उन सुपरस्टार्स के जो बेसिकली प्रो रेसलिंग में WWE में चाहे ना हो, लेकिन हाँ किसी और कंपनी में वो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, फिर बॉलीवुड वाले प्रो रेसलिंग में जाना चाहते हैं। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो हाँ, जो उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल था, आपको ये वाली मूवी ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये वाली मूवी देख के। तो यही मेरा रिव्यू था सांगा के ऊपर, जो जैसा उनका रोल था मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।